नमस्कार, आइए आज हम आपको एक दुर्लभ शिवलिंग के दर्शन कराते हैं। शिव पुराण के आधार पर इस शिवलिंग का निर्माण किया गया है और यह शिवलिंग सामान्यतः आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इस शिवलिंग को दारू जनिंगा शिवलिंग कहते हैं। ये मृत वृक्ष से शिव मंदिर के आसपास की भूमि पर जहाँ यह वृक्ष हो वहाँ से यह मृत वृक्ष की लकड़ी लाकर इसे बनाया जाता है। इस शिवलिंग के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि सृष्टि के सृजन का जो स्वरूप है, जो सृष्टि का सृजन भगवान शिव ने जब किया और ब्रह्मा को उन्होंने इस बात के लिए नियत किया, तो भगवान के इस सृजन के आधार पर सभी ने कहा कि प्रभु हम आपको कैसे, किस रूप में पूजेंगे, किस रूप में आपको देखेंगे। तो भगवान शिव ने कहा कि मुझे किसी रूप में देखने की आवश्यकता नहीं, मेरे कर्मों को देखिए, मेरे कर्म आपके पूजन का आधार बनेंगे। तो यह शिवलिंग भगवान शिव के कर्म काम मानकर हमने शिवलिंग की पूजा प्रारंभ की। आइए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। यह शिव का प्रतिरूप है, शिव नहीं है। तो ये नंदी अवस्था है, नंदी अवस्था शिले, यानी कि ये एक तरह से मूल आधार है। यह सृष्टि का भी मूल आधार है। यह रीढ़ की हड्डी जैसे हमारे शरीर में होती है वैसे यह मूल आधार है। उसके बाद आता है पुरुष भाग। इसके तीन हिस्से हैं, सृष्टि, स्थिति और लय। ये जो चतुर्मुख है, ये चार जो कॉलम है, ये चार मुख ब्रह्मा के हैं। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शिव के कहने पर की, इसलिए इसके चार मुख हैं। उसके बाद आता है विष्णु, अष्टाक्षरी, ओ म न मो नारायणा। ये आठ भाग हैं, इसलिए ये अष्टाक्षरी विष्णु है और उसके ऊपर लय है, ये शिव है। ये लय जो है शिव है। तो यह ये नंद्यावस्था शिले के अंदर इस तरह यह स्थापित है। इसके ऊपर का हिस्सा यह जो है ये पार्वती भाग है, स्त्री भाग है, जिसे हम जलेरी बोलते हैं, जलाधारी बोलते हैं। यह यहाँ ऊपर जाकर इस तरह स्थापित होती है। यह अपने आप में बहुत परिपूर्ण शिवलिंग बनता है। यहाँ ऊपर की तरफ देखें आप ध्यान से, तो ये श्री चक्र बना हुआ है पूरा। इसके ऊपर भी श्री चक्र है और ये श्री चक्र सृष्टि में सारे भोग और ऐश्वर्य को प्रदान करने वाला है। इसलिए शिव की पूजा अपने आप में परिपूर्ण है। और ये दुर्लभ शिवलिंग मैंने बहुत विधि विधान से, ये सारी शिव की भूमि से, जहाँ पर एक जैसे कह सकते हैं कि सागवान की लकड़ी, वहाँ से लेकर और इसको विधिवत 6 माह तक भगवान शिव मंदिर में रखा गया और उसके पश्चात इसको विधि विधान से बनाकर पूजन सहित इस शिवलिंग का निर्माण किया गया। यह एक दुर्लभ शिवलिंग है। आप देख सकते हैं ये करीब 15 इंची इसकी लंबाई चौड़ाई है और चारों ओर से आप देखें ये कितना सुंदर शिवलिंग है। और ये शास्त्रोक्त है, पूरे विधि विधान से शिव पुराण के आधार पर बनाया गया है। सामान्यतः ये शिवलिंग आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा दुर्लभ शिवलिंग के दर्शन मैं आपको करा रहा हूँ, वह शिवलिंग है। शिवलिंग के अंदर हम सोचते हैं जितने बस ऊपर ये बना दिया और उसके ऊपर शिवलिंग है, ऐसा नहीं है। शिवलिंग की व्यवस्था ये कि जितना शिवलिंग ऊपर है उससे 10% अंदर तक होना चाहिए, यानी 60% भाग शिवलिंग का अंदर होना चाहिए। इसलिए ये देखिए, ये 40% भाग ऊपर है, 60% भाग अंदर है, जो जलेरी में जो स्त्री भाग है उसमें स्थापित होता है। ये शिवलिंग दुर्लभ इसलिए कि ये कोई कांच का शिवलिंग नहीं है, ये पत्थर है जिसको हम स्फटिक बोलते हैं। और ये स्फटिक शिवलिंग बहुत दुर्लभ है और जिस साइज का ये आप देख लें, मेरे इस हाथ से आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितना बड़ा स्फटिक है।
ये सामान्यतः तो नहीं मिलता है, और ये विशेष अवसरों पर शिवरात्रि पूर्णिमा के अवसर पर मैं पूजन के लिए इसको निकालता हूँ। ये दोनों दुर्लभ शिवलिंग जो मेरे पास हैं मैंने आज आपको दर्शन कराए। हम सब मिलकर प्रभु से आज शिवरात्रि पर प्रार्थना करें, और हम जो सृष्टि है इसके सृष्टि के रचयिता भगवान भोलेनाथ, जो संहार के भी देवता हैं, संहार इसलिए करते हैं कि वो नया जीवन दे सके, इसलिए नया जीवन देने वाले भी यानी नया सृजन करने वाले भी शिव हैं। इसलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये पंचाक्षरी मंत्र जपते रहें, और कभी शारीरिक समस्या हो तो महामृत्युंजय ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक बंधनानां मृत्योर्वक्षी मामृतां। भगवान शिव आपका कल्याण करें। बहुत बहुत धन्यवाद।